जय श्री राम मित्रों, विभीषण को रामायण में महत्वपूर्ण किरदार के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अपने भाई के अधर्म का साथ छोड़कर धर्म का साथ अपनाया था और श्री राम की ओर से युद्ध करके अपने स्वामी भक्ति का परिचय दिया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हीं श्री राम ने द्वापर युग में युधिष्ठिर और श्री कृष्ण का कर दिया था अपमान? पूरी बात को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। रामायण के अंत में श्री राम ने विभीषण को कलयुग के अंत तक धरती पर रहकर राम नाम का प्रचार करने को कहा था। विभीषण इसी कारण पूरे द्वापर युग में मौजूद रहे। जब कौरवों और पांडवों के बीच राज्य का बंटवारा हो रहा था तो पांडवों के हिस्से में निर्जन खांडव बनाया था। फिर मैदानों की सहायता से पांडवों ने एक भव्य राज का निर्माण करवाया और एक आलीशान महल खड़ा कर दिया। इंद्रप्रस्थ के बसने के बाद युधिष्ठिर ने वहां राजसूय यज्ञ का आयोजन करने का फैसला किया। राजसूय यज्ञ के लिए दुनिया भर के सभी महान राजाओं को बुलाया गया। इसी दौरान लंका के राजा विभीषण को बुलाया गया। विभीषण जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा युधिष्ठिर के सामने सभी राजा सिर झुकाकर नतमस्तक होकर उनको प्रणाम और उनका अभिनंदन कर रहे हैं, तो उन्होंने युधिष्ठिर के सामने झुकने से इनकार कर दिया। जब उनके पास के राजाओं ने विभीषण से इसका कारण पूछा तब उन्होंने बताया कि उनके आराध्य श्री राम हैं और वह अपने जीवन में आखिरी बार केवल उनके सामने झुके थे। उसके बाद श्री राम के बराबर उनको कोई भी नहीं दिखा। श्री राम के सामने झुकने के बाद अब वह उससे नीचे किसी भी इंसान के सामने नहीं झुक सकते हैं। तभी दरबार में भगवान श्री कृष्ण पधारे और श्री राम और श्री कृष्ण दोनों भगवान हरि विष्णु के अवतार थे, किंतु विभीषण इस बात से अनजान थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई और विभीषण को श्री कृष्ण में श्री राम के दर्शन होने लगे, विभीषण यह देख कर गदगद हो गए और उनके आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और वह श्री कृष्ण के पैरों में गिर गए। भगवान ने उन्हें उठाया और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। फिर विभीषण श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे, किंतु सभा में आए सभी लोग दृश्य देखकर हैरान हो गए कि महाराज विभीषण जैसा बुजुर्ग इंसान श्री कृष्ण के पैरों में उनके झुककर पैर छू रहा है। तब श्री कृष्ण ने विभीषण का अभिवादन स्वीकार कर लिया और फिर युधिष्ठिर के पास जाकर युधिष्ठिर का नमन करते हुए कहा, जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है वह श्री राम के बराबर है। श्री कृष्ण की बात को सुनकर विभीषण को यह एहसास हुआ कि श्री कृष्ण उन्हें यह सीख देना चाहते हैं कि जहाँ धर्म हो वहीं पर ईश्वर को झुकना पड़ता है। विभीषण ने इसे ही श्री राम का हुक्म मानते हुए युधिष्ठिर को प्रणाम किया। इस तरह श्री कृष्ण ने विभीषण को न कि अपने होने का एहसास कराया बल्कि उनके अहंकार को तोड़कर उन्हें दयालु और संयमी बनाया। सभी लोगों ने युधिष्ठिर और श्री कृष्ण की जय जयकार किया। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज का यह वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का अपडेट्स ऐसे ही मिलता रहे और ज्ञानवर्धक कथाओं का आनंद आप लेते रहें। और भी किसी त्रुटि के लिए आप सभी से क्षमा याचना करते हुए उस परमपिता परमात्मा के चरणों में शीश झुकाते हुए बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।